कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मोरे वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम पढ़ाने में। अपना हाल बताने वाली इस महिला का नाम खुशबू है, जो बीपीएससी की कोचिंग लेकर अफसर बनना चाहती थी, लेकिन ज्योति मौर्या की वायरल वीडियो के बाद उसके पति ने उसकी कोचिंग ही छुड़वा दी। बता दें, इन दिनों एसडीएम ज्योति मौर्या काफ़ी चर्चा में है। उनके पति ने आरोप लगाया है कि एसडीएम बनते ही उनकी पत्नी ज्योति ने उन्हें छोड़ दिया और होमगार्ड कमांडेंट के साथ रिलेशन में आ गई। आइए खबर के ऊपर बात करते हैं। बिहार के बक्सर में पत्नी की कोचिंग छुड़वाने वाले पिंटू ने कहा कि अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं, इसलिए उनकी कोचिंग छुड़वा दी है। वह नहीं चाहते कि उनकी भी बीवी एसडीएम ज्योति मौर्य की तरह बड़ी अफसर बनने के बाद उन्हें छोड़ दे। दरअसल पिंटू ने ज्योति मौर्य के वायरल वीडियो के बाद अपनी बीवी की कोचिंग छुड़वा दी है। खुशबू प्रयागराज में बीपीएससी की कोचिंग ले रही थी, लेकिन अब पिंटू ने उन्हें वापस बुला लिया है और कोचिंग का खर्च देने से भी इनकार कर दिया है। खुशबू ने पिंटू को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब पिंटू नहीं माने तो ज्योति ने थाने में शिकायत की। वहां पुलिस के पास आवेदन दिया कि वे उनके पति को समझाएं कि वो कोचिंग के लिए बीपीएससी की परीक्षा पास करने तक उनका सहयोग दें। लेकिन शुरू से लेकर आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं, और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहां देखिए यही न्यूज चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहे, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं है, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए, हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मन मती कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले? बड़ा बाबू बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे ही तैयारी करती थी आप बीपीएससी का? बीपीएससी शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने बीपीएससी के लिए एग्जाम दिया? जी जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चुक गया था बीपीएससी। उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही, और अभी फिर लक्ष्य है, ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी। और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर, जो चालू होने वाला है, तो बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम इसमें सक्षम नहीं। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमार। गांव का नाम? चौंगाई। मामला थाने तक पहुँचा तो पिंटू को भी पुलिस ने बुलाया। खुशबू ने पति और पुलिस के सामने कहा कि मैं ज्योति जैसी नहीं हूँ, मैं बेवफा नहीं हूँ, साहब मेरे पति को समझाएं। इस पर पिंटू ने कहा कि ज्योति मौर्या वाले मामले से मैं बहुत आहत हूँ, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो अफसर बनने के बाद मुझे छोड़ के चली जाए। अब इस पूरे मामले के बाद मुरार थाना प्रभारी कहते हैं कि पत्नी ने जो आवेदन दिया है उसी के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों को समझाया बुझाया गया है, घर भेज दिया गया है। हालांकि खुशबू के पति पिंटू सिंह अभी भी मानने को तैयार नहीं है। ज्योति मौर्या के प्रकरण वाले मामले को लेकर वो बहुत आहत है, वो अपने किसी भी फैसले तक पहुँचने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते।